वांडा विजन शो में नकली विजन तो हेक से खत्म होने पे मारा गया, पर वाइट विजन अपनी मेमोरी गेन करने के बाद टोनी स्टार्क की तरह एक्नॉलेज करके आई एम विजन बोल के फिर से छूमंतर हो गया। तो इस वीडियो में हम ये प्रेडिक्ट करेंगे कि विजन कहाँ गया। मैंने बहुत जगह देखा था कि मार्वल के डिलीटेड सीन्स के नाम पे लोग क्लिकबेट के नाम में वाइट विजन या फिर विजन ही कह लो, एक ही बात है, डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है। पर ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो इन्फिनिटी वॉर्स के पहले ही मर गया था, तो टेक्निकली वो डॉक्टर स्ट्रेंज को जानते ही नहीं है, तो उनके पास क्यों जाएगा। अब वो कहाँ गया होगा, तो इसकी दो पॉसिबिलिटी है। पहली, सपोज कि आप कोरोना के पैंडेमिक में मर गए और आपको पैंडेमिक खत्म होने के बाद कोई फिर से जिंदा कर देता है, तो आप जानने की कोशिश तो करोगे क्या हुआ कैसे हुआ। तो विजन भी यही करेगा। अगर वो इंसान होता तो वांडा के पास जाके मज़े से अपनी लाइफ जीता। अल्टीमेटली वो वांडा के पास जाएगा और वो ऐसा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद ही करेगा। अगर वो अभी वांडा के पास चला जाता है तो स्पाइडरमैन नो वे होम मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का फ़ायदा ही क्या हुआ, क्योंकि वो सिंथेसाइड है तो वो रीजनिंग करना चाहेगा। तो उसके लिए कहाँ है वो जगह जहाँ से वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, ऑब्वियसली वकांडा, क्योंकि वहीं तो मरा था वो। उसके मरने के बाद के इवेंट्स वकांडन्स ही तो बता सकते उसे, तो वो वकांडा जाएगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो माइंड स्टोन के पीछे गया होगा। अब माइंड स्टोन तो लोकी के स्केप्टर में होता है, तो याद है लोकी का स्केप्टर लास्ट टाइम कब देखा था? नहीं ना, मुझे भी नहीं याद था। तो मूवीज वापस देखने के बाद पता चल गया, वो कैप्टन अमेरिका वर्सेस कैप्टन अमेरिका वाला सीन याद है? हाँ यही। तो उसे यूज़ करने के बाद कैप्टन ने तो थानोस को हरा दिया। और अगर एंशिएंट वन का टाइमलाइन वाला कॉन्सेप्ट याद है? हाँ यही। कोई नहीं, मैं समझा देता हूँ। अगर एक भी स्टोन अपनी जगह से हटता है तो नई टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी। तो कैप्टन अमेरिका को स्टोन्स वहीं रखने थे जहाँ से उठाए गए थे। अब देखो, नई टाइमलाइन तो क्रिएट हुई है क्योंकि लोकी टेजरैक्ट लेके जो भागा था और लोकी अपने स्केप्टर वापस लेने तो चाहे गई। तो अभी स्केप्टर कहाँ है ये तो लोकी की सीरीज के बाद ही पता चलेगा। और विजन तो टाइम ट्रैवल कर नहीं सकता। अगर कैप्टन अमेरिका ने स्केप्टर उसी जगह वापस रख दिया हो तो स्केप्टर कैप्टन अमेरिका से शील्ड के पास जाएगा, शील्ड से हाइड्रा के पास, हाइड्रा से टोनी स्टार्क के पास, टोनी स्टार्क से विजन के पास, और विजन से अल्टीमेटली थानोस के बाद। तो इस रियलिटी में पावर स्टोन्स तो एग्जिस्ट करते ही नहीं क्योंकि थानोस ने उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया था। और कैप्टन अमेरिका स्टोन वापस करने जाते हैं, उस इवेंट का पूरा लूप बन गया। तो ये स्टोन सिर्फ इस टाइम लूप में एग्जिस्ट करते हैं और स्टोन्स आसानी से ख़त्म नहीं होने वाले। तो अल्टरनेट टाइमलाइन को एग्जिस्ट करना ही पड़ेगा। तो अब आगे क्या होता है मेरे साथ साथ आप भी फ्यूचर में पता कर लेना, लोकी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और नो वे होम के बाद।